नमस्कार, यूपी नाउ में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण आजकल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी उनके कैबिनेट में प्रमोशन को लेकर तो कभी कथित रूप से सीएजी की उनकी टिप्पणी को लेकर, परंतु एक बात तो साफ है कि मोदी कैबिनेट में उनके प्रमोशन के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की टोली अंदर से हिल गई है और उन कारणों को जानने की कोशिश कर रही है जिसके चलते वो पीएम मोदी की नज़रों में इतनी खास हो गई हैं। आज हम उन्हीं कारणों को खोज कर आपके लिए लाए हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण का रक्षा मंत्री के रूप में प्रमोशन और कैबिनेट की सुरक्षा संबंधित कमेटी में उनका पहुंचना बहुत से भाजपा नेताओं के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। प्रधानमंत्री के इस मूव से बहुतों को संदेश दिया गया है। कैबिनेट के फेरबदल में और उसके इतने दिनों बाद भी सत्ता के गलियारे में पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे के कारणों की तलाश जारी है। मोदी ने ऐसा चौंकाने वाला निर्णय अपनी चीन यात्रा के ठीक पूर्व क्यों लिया? क्या इसके पीछे सिर्फ चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए ही संदेश था या फिर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के लिए भी इसमें संदेश छिपा हुआ था? जाहिर है पीएम के इस एक कदम ने भाजपा के 10 से 15 बड़े नेताओं की टोली को अंदर से झकझोर रखा है। जानकार बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद जब सोमवार को मंत्री लोग अपने अपने कार्यालय पहुंचे तो ज्यादातर मंत्रियों का रैक्स फोन केवल एक मुद्दे पर घनघनाता रहा कि निर्मला ने यह सब कैसे किया और उनकी असली ताकत क्या है। पार्टी के अंदर खाने की बात जानने वाले बताते हैं कि निर्मला बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार करती हैं। उनकी इसी खूबी के कारण उन्हें 2014 के चुनाव में भाजपा का मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट तैयार करने का काम दिया गया था। इससे पूर्व भी निर्मला 2012 के गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थीं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए 2017 के गुजरात चुनाव के थिंक टैंक में उन्हें शामिल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि निर्मला के लिए यह सब कुछ सहज ही आता चला गया हो, लेकिन जब भी वो मुश्किलों में आई तो कठिनाइयों का अपने अंदाज में उन्होंने हल भी निकाला और उन हलों को ढूंढने में उन्हें साथ मिला वित्त मंत्री अरुण जेटली का। बताते हैं कि पार्टी में उनकी खिलाफत सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू की ओर से थी। जेटली द्वारा निर्मला के खिलाफ अगर विरोध की आवाज़ को शांत न किया गया होता तो शायद वो 2014 में पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन न बन पाती। पार्टी की राजनीति में खराब और उथल पुथल भरे जल के बीच से अपनी नैया खेने के दौरान निर्मला हमेशा सावधान रही। वो मोदी साहब द्वारा मार्गदर्शक दल में रखे गए वरिष्ठों के खिलाफ कभी नहीं गईं। वो मार्गदर्शक नेताओं का सम्मान करती रहीं, परंतु उनसे हमेशा दूरी बनाए हुए चलती रहीं। अब वह मूल प्रश्न जो नेताओं को चिंतित कर रहा है, आखिर उनकी ताकत क्या है? अंदर के लोग फिर से दोहराते हैं उनकी ड्राफ्टिंग क्षमता, मुद्दों को समझने की उनकी क्षमता, विषय के अंदर तक घुसने की उनकी क्षमता और फिर इन सब के निचोड़ को पीएम के सामने मात्र 2 पैराग्राफ में उन रखने की क्षमता ही वह कारण है जो उन्हें आज कैबिनेट में शिखर तक ले गया है। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि शायद वो एकमात्र ऐसी मंत्री हैं जो विवादित फाइलों में मोटी सी मोटी फाइलों के हर पन्ने को झांक कर देखती हैं। जानकार बताते हैं कि WTO और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में निर्मला यह सुनिश्चित करती थीं कि वो अपने पूर्ववर्तियों जैसे प्रणब मुखर्जी, मुरासोली मारन, कमलनाथ और दूसरों के द्वारा लिखे गए सभी नोटों को पढ़ ली हों। उनकी इस पृष्ठभूमि के साथ अगर उनका प्रमोशन सरकार के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है तो इसने भाजपा की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित कर रखा है। अब जबकि उनके प्रमोशन से
उठी लहर शांत हो रही है, तब बहुत से बीजेपी नेता उनके प्रमोशनों के कारणों की जांच सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं। बहुत से लोग जो मोदी शाह की जोड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं कि बहुत से सीनियर नेताओं को दरकिनार करके निर्मला सीतारमण का प्रमोशन जानबूझकर चली गई रणनीति का हिस्सा है। फेरबदल से पूर्व जब पीएम मोदी ने कुछ वरिष्ठों के सामने कहा था कि रक्षा मंत्रालय को एक फुल टाइमर की जरूरत है, तभी से सत्ता के गलियारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। और शायद इसी का क्रम था कि फेरबदल से पूर्व शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जिंजर ग्रुप के सदस्य मंत्रियों की बैठक मोदी के दिमाग को समझने के लिए हुई थी, और उसके तुरंत बाद एक और क्रूशल बैठक हुई थी जिसके हिस्सेदार थे सुषमा स्वराज और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जानकार मानते हैं कि पिछले दो महीनों के दौरान मोदी की चालें बहुत समझकर चली गई हैं। बिना दूसरों को हवा लगे मोदी अपनी शतरंजी चालें चलते रहे हैं। नायडू को उपराष्ट्रपति बनाकर उन्होंने उन्हें न केवल दूर किया बल्कि सक्रिय राजनीति से भी अलग करते हुए भाजपा के लिए एक कड़ा संदेश भी भेजा। यह सर्वविदित है कि नायडू ने बहुत ही अनिच्छा से सक्रिय राजनीति को छोड़ते हुए उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता तय किया। आपको शायद पता ही होगा कि नायडू और सीतारमण के बीच संबंध आंतरिक राजनीति के कारण अच्छे नहीं थे। मोदी भी स्वयं इस बात को अच्छी तरह जानते थे। जानकार बताते हैं कि यूपी में दूसरी बार मिली जबरदस्त जीत से कई वरिष्ठ मंत्रियों को अंदर तक झकझोर रखा है। वो इस लहर को 2019 तक देख रहे हैं और इस लहर से किनारे लगाए जाने की प्रक्रिया को भी देख रहे हैं। बताते हैं यह सब कुछ पीएम के कानों तक पहुंचाया जा चुका है। किडनी की बीमारी से निपटने के बाद सुषमा स्वराज अब फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आ गई हैं। सूत्र बताते हैं किस तरह से सुषमा और सीतारमण के बीच एक चक्र पूरा हुआ है। 2014 के चुनाव से पूर्व भाजपा की संसदीय बोर्ड बैठक में सुषमा ने निर्मला के राज्यसभा उम्मीदवारी का विरोध किया था। उस समय भी जेटली ने निर्मला की मदद की थी और उन्होंने आडवाणी को निर्मला की उम्मीदवारी के लिए मनाया था। 2017 में टेबल का एक चक्र पूरा हो गया है। सीतारमण आज मोदी के आशीर्वाद से कैबिनेट की सुरक्षा समिति में हैं और वह भी सुषमा स्वराज के साथ। एक बड़े भाजपा नेता का मानना है कि कुछ इसी तरह भाजपा में चीजें अपनी शक्ल धारण कर रही हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने डॉक्टर मुरली मनोहर और आडवाणी को 2014 में मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया था, और अगर 2019 में उन्हें जीत मिली तो राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज को उनके 2-3 साथियों के साथ उसी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाया जा सकता है। हाँ, इस बार भी शायद अरुण जेटली बच सकते हैं। जानकारों का मानना है कि 2019 में भाजपा के चेहरा होंगे धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस। आज हम आपके लिए उन्हीं कारणों को खोज कर लाए हैं। इस स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखने में जो कच्चा माल मिला है उसमें हमारे राजगोपालन सर का विशेष योगदान है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तथा नोटिफिकेशन को पाने के लिए घंटी को बजाइए। प्लीज़ अपने कमेंट को, अपनी मन की बात को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए।